Hello everyone, welcome to my channel. My name is Priya Dogra and I'm back again with another video. If you are somebody who's looking to study in Oxford and Cambridge University, then this video is for you. Especially for Indian students jo ki ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज जैसे यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हैं बट डजंट हैव द इनफ फंड्स, आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ जिसके अंदर मैं स्कॉलरशिप स्कीम के बारे में बताऊँगी जिसकी हेल्प से आप ऑक्सफोर्ड एंड कैम्ब्रिज जैसे यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ सकते हैं. फुली फंडेड स्कॉलरशिप रहेगी. सो आज की इस वीडियो में छोटी से छोटी डिटेल के ऊपर बात करने वाले हैं कैसे इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है, कहाँ से आपको इससे पूरी गाइडलाइंस मिल सकती है, छोटे छोटे प्रोटोकॉल्स क्या रहेंगे. सो मेरे साथ बने रहिए वीडियो के एंड तक. बाकी अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, और अगर फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा. सो इसकी डिटेल आपको मिल जाएगी ऑक्सफोर्ड ब्रिज इंडिया के ऑफिशियल वेबसाइट पे, जहाँ पे आपके पास ऑक्सफोर्ड एंड कैम्ब्रिज सोसाइटी ऑफ इंडिया की तरफ से ये स्कॉलरशिप स्कीम निकाली गई है. सो OCSI आपका स्कॉलरशिप का नाम रहेगा, जिसके अंदर मैं बात करूँ स्पेशली इंडियन स्टूडेंट्स के लिए जो कि अपनी अंडर ग्रेजुएशन कर रहे हैं, सेकेंड अंडर ग्रेजुएशन कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं या PhD कर रहे हैं रिसर्च में, आप यहाँ पर कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं. सो ये अपॉर्चुनिटी है स्पेशली इंडियन स्टूडेंट्स के लिए. यहाँ पर कोई भी क्राइटेरिया ऐसा नहीं रखा गया है कि इस एज के स्टूडेंट्स या इस रिलीजन के स्टूडेंट्स ही अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे कोई भी इसके लिए अप्लाई कर सकता है. बाकी स्कॉलरशिप की बात की जाए तो पिछले 50 ईयर्स से ये स्कॉलरशिप चलती आ रही है और हर साल मार्च मंथ में इस स्कॉलरशिप की अनाउंसमेंट होती है. Within this March month, you guys can apply for the scholarship. Applications live हैं, आपको किस तरह से apply करना है वो मैं बताऊँगी. Institutions जैसे कि हमने बात कर लिया, University of Cambridge and University of Oxford के अंदर आप apply कर सकते हैं. बाकी eligibility criteria की मैं बात यहाँ पर करना चाहूँगी. Anybody who is in research field, PhD degree कर रहे हैं, अगर आपने कोई post graduation degree की है, MPhil, LMM, then आप देख सकते हैं BCL diploma किया है कोई, या अपनी bachelor's degree कर रहे हैं, तो आप यहां पे अप्लाई कर सकते हैं. इसके अलावा आपको बताया जाए कि अगर स्कॉलरशिप का कितना अमाउंट रहेगा, आपको यहां पे 2 लाख रुपीस प्रोवाइड किया जाने वाला है इस स्कॉलरशिप के अंदर. बाकी OCSI की स्कॉलरशिप 3 तरह से डिवाइडेड है, KK लुथरा मेमोरियल स्कॉलरशिप, अनिता बनर्जी स्कॉलरशिप एंड निर्मल लुथरा स्कॉलरशिप. इन तीनों के अंदर आप किसी के लिए एलिजिबल होते हैं उस अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे फंड मिल सकता है. सो वर्थ 2 लाख रुपीज़ तक का आपको यहाँ पे फंडिंग मिल सकती है इनकी तरफ से, अगर आप ऑक्सफोर्ड एंड कैम्ब्रिज में पढ़ना चाहते हैं. इसके अलावा अगर बात की जाए OCSI स्कॉलर क्या क्या और एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एक तो आपको फाइनेंशियल अवार्ड मिलने ही वाला है, लेटर ऑफ सपोर्ट OCSI की तरफ से मिलेगा, और कॉम्प्लीमेंट्री लाइफ मेंबरशिप आपको मिल सकती है इस सोसाइटी के साथ. एलिजिबिलिटी की बात हम ऑलमोस्ट कर चुके हैं, बट आपकी एज ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, नॉट मोर देन 30 ईयर्स, सो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा. इसके बाद इंडियन सिटीजन रिक्वायर्ड है और इंडियन यूनिवर्सिटी से ही आपने ग्रेजुएशन की होनी चाहिए. बाकी की जितनी भी हम डिस्कशन कर चुके हैं एलिजिबिलिटी के ऊपर वही यहाँ पर बताई गई है. अलावा स्कॉलरशिप क्राइटीरिया की बात की जाए तो स्पेशली उन स्टूडेंट्स को यहाँ पर ऑफर की जा रही है स्कॉलरशिप जिनका अकेडमिक एक्सेलेंस है और अकेडमिक बैकग्राउंड काफ़ी अच्छा है, लेकिन फंडिंग नहीं है अच्छे कॉलेज में अपनी आगे फर्दर डिग्री कंप्लीट करने की. सो स्पेशली उन स्टूडेंट्स को दी जा रही है अगर आपका एकेडमिक बैकग्राउंड अच्छा है, सो डू अप्लाई फॉर इट. इसके बाद अगर स्कॉलरशिप पैरामीटर्स की बात की जाए, आपके पास सॉफ्ट स्किल्स हैं, हार्ड स्किल्स हैं, सो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं. फाइनेंशियल आपको बैकग्राउंड यहाँ पे शो करना होगा अपना. इसके अलावा आपको एप्लीकेशन और डिसीजन का प्रोसेस यहाँ पे बताया गया है, जिसमें डेट्स बताई गई हैं, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या रहेंगी. सो मैं बता देती हूँ, मार्च में आपकी एप्लीकेशन शुरू हो चुकी हैं, 15 मई तक आपकी लास्ट डेट रहेगी. विद इन मिड जून तक आपको पता चल जाएगा कौन कौन से स्टूडेंट्स शॉर्टलिस्टेड हुए हैं इंटरव्यू के लिए. अगर आप उन लोगों में से हैं तो 10 जुलाई 2022 को आपका इंटरव्यू यहाँ पे होगा OCSI स्कॉलरशिप कमेटी के साथ. इट कैन बी वर्चुअल, इट कैन बी फिजिकल, वो आपको बता दिया जाएगा. सो बाकी जितनी भी आपके स्कॉलरशिप के अवार्ड्स हैं वो आपको 31 जुलाई तक अलॉट हो जाएंगे. बाकी अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं सो लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएंगे, एक एक करके आप एक्सप्लोर कर सकते हैं. इंपॉर्टेंट डेट्स की बात हम कर चुके हैं. यहाँ पे आपके पास जो है एक लिंक दिया गया है, इसे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास PDF खुल के आ जाएगी जिसमें सारी डिटेल्स लिखी गई है स्कॉलरशिप से रिलेटेड, और साथ में आपका एप्लीकेशन फॉर्म भी अटैच्ड है. सो इस एप्लीकेशन फॉर्म को आप भर सकते हैं ऑक्सफोर्ड एंड कैम्ब्रिज सोसाइटी ऑफ
इंडिया के एप्लीकेशन फॉर्म में आपसे पूछा जा रहा है। नेम, डेट ऑफ बर्थ आप बता सकते हैं, सेक्स आपको बताना है, उसके बाद आपको अपना एड्रेस बताना है, टेलीफोन नंबर, ईमेल आईडी आप बता सकते हैं, यूनिवर्सिटी कौन सी आप अप्लाई करना चाहते हो, वेदर ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज, वो आप बता सकते हैं, अभी कौन सी कोर्स में आप अप्लाई किया है, आपने कोर्स कौन सा है, डिपार्टमेंट फैकल्टी कौन सी है, एडमिशन स्टेटस बता सकते हैं। उसके बाद आपको स्कूल एंड कॉलेज की बैकग्राउंड बतानी है, कौन से इंस्टीट्यूशन से, कौन से साल में आपने कौन से सब्जेक्ट में अपनी ग्रेजुएशन की है या अपना स्कूलिंग की है, उनके मार्क्स कितने हैं, वो पर्टिकुलरली आप अपना बैकग्राउंड यहाँ पे बता सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास कोई भी वर्क या जॉब एक्सपीरियंस है वो भी आपको यहाँ पे देना होगा, और कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में आप इन्वॉल्व हैं वो बता सकते हैं, और क्यों आप ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हैं वो आपको यहाँ पे बताना होगा। इसके अलावा आपको सब्जेक्ट कौन से एरिया ऑफ स्टडी आपका मेन है और कौन सा इंटरेस्ट है वो आप यहाँ पे बता सकते हैं। इसके बाद मेन इंपॉर्टेंट पार्ट आता है कि हाउ डू यू सी योरसेल्फ इन नेक्स्ट 5 to 10 years, ये आपको अपना गोल यहाँ पे मेंशन करना होगा, आपके स्किल्स एंड मेंशन करने होंगे, क्या आप अपना करियर में करना चाहते हैं, सो अच्छे से एलैबोरेट करिएगा। अगर आपको मेरी कोई हेल्प की ज़रूरत होगी देन डू लेट मी नो। इसके अलावा आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म में जो जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं आप अच्छे से फिल आउट कर दीजिए, एप्लीकेशन अच्छे से फिल करेंगे सो आपके पास मौका है कि आप इंटरव्यू पे भी सिलेक्ट हो जाएं। अगर आपका इंटरव्यू अच्छा हो जाता है तो आपके पास ये स्कॉलरशिप आपको मिल सकती है, ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटीज़ में आप अप्लाई कर सकते हैं। सो ये है पूरा प्रोसेस स्कॉलरशिप स्कीम का, आई होप आपको कोई डाउट नहीं रह गया हो। इनकेस अगर कोई भी डाउट रहता है डू लेट मी नो, आप जानते हैं आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन पे जाएंगे, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप और मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। जो भी एप्लीकेशन फॉर्म में पूछा गया है, इन केस अगर आपको मेरी हेल्प चाहिए फिल आउट करने के लिए ज़रूर बताइएगा, कमेंट सेक्शन ओपन है। बाकी आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।